हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली लंबे बालों की लाइट यू कटिंग। काफ़ी ज़्यादा लेंथ कट हुई थी, पूरा कमर तक हेयर है और बहुत ही शॉर्ट किया गया है। तो किस तरीके से कट किया है आप सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, मेरे भाई हिसार में है और मतलब हरियाणा में, और मैं बिहार में। मैंने कैसे बनाई राखी, उन लोगों को राखी बांध के, तो आप लोग वो ब्लॉग देख लीजिएगा मेरे इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल पे, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मैंने अपने भाभियों को भी राखी बांधी, भैया को भी, लेकिन बिहार से ही हिसार। किस तरीके से बांधी आप देख लीजिएगा वीडियो में। तो ब्लॉगिंग चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल पर नए हो तो जो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको टैप कर दीजिए ताकि वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद से बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। तो वीडियो को लाइक और जरूर कर दीजिएगा। तो किस तरीके से मैंने लंबे बालों की लॉन्ग टू मीडियम लेंथ में कट किया है और लाइट यू कट किया है। तो लाइट यू कट अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइज, ये है हेयर जो इनके मैं कट करने वाली हूँ। इतने कमर तक लेंथ थी इनकी और मीडियम मतलब शोल्डर से थोड़ा नीचे तक रहेगा लेंथ। तो पूरा वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, पूरा फाइनल लुक देखने के लिए और कट कैसे करना चाहिए वो देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं इनको कटिंग शीट लगा लेती हूँ। तो कटिंग शीट मैं बैक से लगा रही हूँ क्योंकि बैक से ही हेयर कट हो रहे हैं, तो पीठ पे गिरने से पीठ में चुभने लग जाते हैं, इसलिए मैं बैक से हेयर कटिंग शीट लगाती हूँ। क्योंकि गांव में है तो लोग अपना फेस शो नहीं करना चाहते हैं, तो बैक से ही हेयर कट करना पड़ता है। तो और फ्रंट से हर टाइप की वीडियो मेरे चैनल पर आप लोग को मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखा आपने। तो पहले मैं बालों को गीला करूँगी और अच्छे से सुलझाऊँगी। तो चलिए शॉवर से वाटर स्प्रे इस पर बालों पर कर रहे हैं और अच्छे से गीला करके कॉम कर लेंगे बालों को। गीला होने के बाद से देखिए इनका वॉल्यूम कितना कम दिख रहा है बालों का। बालों को गीला करके कट करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि गीला करके जब बालों को कट करते हैं तो परफेक्ट कटिंग आती है। सूखने के बाद से बाल आपके इधर उधर बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। अगर आप ड्राई कट करोगे तो सूखने के बाद से आपके जैसे आपके बाल गीले हो रहे हैं या फिर आप कॉम करोगे तो बाद में आपका ऊपर नीचे दिख सकता है, इसलिए बालों को अक्सर गीला करके ही कट कीजिएगा। तो इनसे मैं लेंथ पूछ रही थी तो इन्होंने बोला कि जितना मतलब जहाँ तक वॉल्यूम अच्छा दिखने लग जाए उतना हेयर कट कर दीजिए। तो मैं इनका बता रही थी कि इतना लेंथ है और इतना मैं कम से कम कट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कट करूँगी, जितना मतलब घना दिख रहा है वहीं तक कट कर दूँगी पूरे हेयर को। तो चलिए सबसे पहले मैं इनको स्ट्रेट हेयर कट दे देती हूँ ताकि लेंथ अच्छे से पता चल जाए हम लोग को। तो अच्छे से कॉम करके, तो चलिए यहाँ से पहले मैं स्ट्रेट कट कर देती हूँ बालों को। तो स्ट्रेट कट चलिए स्टार्ट करते, फिर से कॉम कर लेती हूँ एक बार और फिर से थोड़ा सा और स्प्रे कर देती हूँ क्योंकि ऊपर के हेयर थोड़े ऊपर के हेयर अभी तक गीले नहीं हुए थे अच्छे से, तो गीला कर लिया मैंने और अभी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो बीच की मांग निकाल लेंगे, बीच की मांग निकाल के अच्छे से इसको कॉम करेंगे दोबारा से और फिर कटिंग स्टार्ट करेंगे। सारे बालों को अच्छे से पीछे की तरफ लेके आएंगे। तो ये मैंने ला दिया है पीछे की तरफ और अभी पूरा स्ट्रेट कट कर लेंगे। देखिए कितना कट कर रही हूँ मैं। ओके, तो यहाँ से पहले लेंथ इनकी निकाल देते हैं और अभी और शॉर्ट होगा, देखते रहिए वीडियो। तो इस तरीके से स्ट्रेट कट कर दिया है। अभी दोनों साइड से ज़्यादा डीप यू नहीं करना है, लाइट यू कट यहाँ पे कर रही हूँ मैं, हल्का सा यू शेप कैसे दे बालों में। तो इतना सा मैं दोनों साइड से कट कर दे रही हूँ ताकि दोनों साइड का गाइडलाइन हमको मिल जाए। तो ये कट कर दिया, दोनों साइड का गाइडलाइन हमको मिल चुका है यहाँ पे। देखिए इस साइड का ये वाला गाइडलाइन है और उसी साइड का वो वाला है, उससे थोड़ा ऊपर जाएगा कट करते करते, आप देखते रहिए वीडियो एंड तक। तो यहाँ से इस तरीके से एकदम लाइट सा यू कट देंगे यहाँ पे। तो हल्का सा तिरछा कॉम घुमाया यहाँ पे और रीचेकिंग वगैरह सब करेंगे, तो देखते रहिए पूरा वीडियो एंड तक। तो इस साइड से भी इस तरीके से हेयर को कट करेंगे। तो रीचेकिंग बहुत ज़रूरी होती है बालों का फिनिशिंग, बालों को फिनिशिंग देने के लिए और फाइनल लुक देने के लिए। तो चलिए थोड़ा थोड़ा और कट करते हैं, जब तक आपको परफेक्ट कटिंग ना मिल जाए तब तक आपको इस तरीके से कट करते रहना है। तो देखिए थोड़ा सा लेंथ और निकल गया,
और अभी फिर से चेक करेंगे कि कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं है, क्योंकि परफेक्ट अभी नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा चेक करना ज़रूरी है इसमें। लाइट सा यू कट देना है हमको यहाँ पे, तो चेक कैसे करना है वो देख लीजिए। इस तरीके से कॉम पे पकड़ के दबा के देख लो, नीचे का एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, तो कॉम पे इस तरीके से पकड़ पकड़ के चेक करेंगे और फिर से थोड़ा थोड़ा सा टचअप, मतलब हल्का सा कट करेंगे। तो ये देखिए लाइट यू सा हमारा शेप आ गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, तो फिर से कट करेंगे और इस तरीके से जब तक परफेक्ट नहीं आ जाए। हल्का हल्का मैं यहाँ पे कट करते हुए देख रहे हैं कितना अच्छा सा लाइट यू कट यहाँ पे आ चुका है हमारा। तो चलिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से एकदम परफेक्ट है, फिर यहाँ से चेक कर लीजिए एकदम परफेक्ट है, साइड से चेक कीजिए, ऐसे कॉम से दबा के चेक करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा कट और दे देते हैं और इधर से फिर से चेक करेंगे ओके। लाइट यू में क्या होता है कि नीचे से थोड़ा सा एकदम बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, हल्का सा यू में आ जाता है। मैं परफेक्टली आपको उस पर बता दूंगी, पेपर पे ड्रॉ करके एकदम अच्छे से समझा दूंगी कि लाइट यू और डीप यू में डिफरेंट क्या होता है, कैसे करना चाहिए। तो नीचे का एकदम देख ही सकते हो आप, इस टाइप का लुक दिख रहा है, इसी टाइप से आपको इस पर भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा लाइट यू कट लगभग कंप्लीट है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। तो एक बार और चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, ये जो हल्का हल्का इधर उधर दिख रहा है उसको एकदम स्ट्रेट कट कर देंगे, जो भी इधर उधर दिखेगा उसको चेक कर दिया, तिरछा कॉम करके आप चेक कर लीजिए, हल्का भी इधर उधर दिखे तो उसको कट कर दीजिएगा। देखिए ये जो हल्का हल्का दिख रहा है इसको कट कर लीजिए, तभी आपकी परफेक्ट फिनिशिंग आएगी ओके। तो लगभग हमारी फिनिशिंग अच्छे से आ चुकी है, दूसरी साइड भी चेक करेंगे इस तरीके से कॉम को तिरछा रखते हुए, जो भी एक्स्ट्रा लगे उसको आप कट कर दीजिए। तो अभी बहुत अच्छा सा कट आ चुका है हमारे बालों में, और ये था इनका फाइनल लुक। और ये हैं फ्लोर पे गिरे हुए हेयर जो कि कट के थे, और बाद में जब ये सूख जा रहे हैं तो इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा आ गया था, और क्लचर लगाने पे इसमें लेयर भी बहुत अच्छी सी दिखने लग जाती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे इनका हेयर कट भी अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेयर कट अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और मेरा राखी का ब्लॉग देखने के लिए मेरे इंडियन यूट्यूबर प्रीति वाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते हुए, बाय गाइज़।